바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ बात करने वाली हूँ ऑनियन हेयर ऑयल के बारे में, ऑनियन जूस के बारे में। इसे हम किस तरीके से सही प्रकार से हम इसे यूज़ करें जिससे कि हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अगर आपके बालों में भी अगर ब्लैंडनेस आ रहा है, अगर आपके जो स्कैल्प है वो ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं, चाहे आप जेंट्स हो, लेडीज़ हो, कोई भी हो, ये आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ ये हर कोई यूज़ कर सकता है। बिफ़ोर आफ्टर के रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। ऐसा सिर्फ मेरा कहना नहीं है, कईयों का कहना है, सामने रिज़ल्ट है। और ये जो है ये एक्चुअली में ये प्रूफ हो चुका है साइंटिफिकली भी कि अगर हम लोग अपने ब्लैंडनेस को, हमारे गंजेपन को अगर हम लोग दूर करना चाहते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड द ईजीएस्ट प्रोसेस टू ग्रो योर हेयर। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। इसके लिए जैसा कि अभी आपने देखा क्लिप में कि हमें जो छोटे वाले जो ऑनियन होते हैं वो लेने हैं, जो सिरके वाली होती है ना, जो सांभर में जो डलता है उसे लेना है। अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी तरह का जो आपके नियर बाय में अवेलेबल है आप उस वो ऑनियन लीजिए, उसे काटिए। और काटने के बाद जो है अगर आप चाहें तो मिक्सी में उसे घुमा लीजिए, उसका जूस जो है उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, या फिर अगर आपको मिक्सी में डाल के उसका पेस्ट नहीं बनाना है देन सिंपली जो है आप उसे नारियल तेल में उसे बारीक चॉप कर ले, और चॉप करके बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको उसको 5 से 10 मिनट आपको उसे पकाना है। इसके अलावा जो और जो दूसरे प्रोसेस है उसमें आपको अनियन का सेम इसी तरीके से जो है बिल्कुल एक पेस्ट बना लेना है बिना पानी दिए। और ध्यान रहे जब भी आप ऑनियन आप हेयर ऑयल बनाएंगे, ऑनियन का जूस निकालेंगे, ध्यान रखना है प्याज को आपको धोना नहीं है काटने के बाद, क्योंकि जब भी हम प्याज काटते हैं ना तो उसमें जो एक तेज़ जो झाँझ लगता है जिसकी वजह से हमारे आँखों में आंसू आता है वो है सल्फ़र। और हम उसे अगर पानी के कॉन्टैक्ट में ला देंगे तो उसका जो सल्फ़र जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो वॉश ऑफ हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें जो उसका प्याज का जो तीखापन है, जो सल्फ़र है वो हमें ज़्यादा चाहिए। दूसरा प्रोसेस है वो है आप इस तरीके से जो है आप इसे जूस बना ले, जूस जो है इसका प्याज का आप निकाल ले, चाहे तो आप इसे स्टोर करके रख ले और डायरेक्टली जो है आप अपने स्कैल्प पे उसे यूज़ कर सकते हैं। पर ये प्रोसेस जो है हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कईयों को इसकी स्मेल से एलर्जी हो सकती है, कईयों को डायरेक्ट यूज़ करने से ईचीनेस हो सकती है। तो आप इस प्रोसेस को अप्लाई करने से पहले एक पैच टेस्ट जो है ज़रूर कर लें, या फिर आप सिंपली जो है इसका जूस आप निकाल के रख लें। कोशिश करें ताज़ा ही करने का, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा अगर आप बना के करोगे तो बेनिफिट आपको जो है ज़्यादा मिलेगा। सेकेंड थिंग जो है मैं आप इस तरीके से जूस निकाल ले और उसे नारियल के तेल में मिक्स कर ले, मिक्स करके डबल बॉयलर मेथड की मदद से आप इसे हल्का गरम कर ले, और गरम करने के बाद आप उसे अपने बालों में बिल्कुल कॉटन की मदद से या अपने उंगलियों की मदद से जो है बिल्कुल हर एक जगह पे, हर एक सिरे पे जो है आपको इस तेल को लगाना है। लगाने के बाद इसको आपको 5 मिनट तक आपको अच्छे से जो है हल्के हाथों से मसाज देना है, या फिर अगर आपके पास हेयर मसाजर है तो आप उसकी मदद से जो है आप अपने बालों को अच्छे से मसाज करें कम से कम 5 मिनट के लिए। अगर वो भी आपको करने का मन नहीं है तो सिंपली जो है आप मोटे दांत का जो कंघा होता है उसे लीजिए, उससे अपने बालों को कंघी कीजिए बिल्कुल आराम आराम से 5 मिनट तक। इससे क्या होगा, जो सल्फ़र की वजह से हमारे स्कैल्प में जो जलन होगी उससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हमारे बालों में के हर एक जगह से जो है आपके हेयर ग्रोथ होने के चांसेस जो है बढ़ेंगे। आप चाहें तो ये प्रोसेस तो सबसे इजी है जो भी अभी आपके स्किन पे है, आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये दिस इज़ द मोस्ट सिंपल वे टू यूज़। और इसके अलावा जो है अगर आप चाहें तो इसमें आप कैस्टर ऑयल देख के भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अनियन जूस में आप इसमें विटामिन ई कैप्सूल डाल के जो है अपने अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ आप 1 या 2 विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल जो है वो आप डाल के उसे मिक्स करके अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो मेथी दाना है
उसे आप ओवरनाइट के लिए सोक करें और नेक्स्ट डे जो है उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद आप उस पेस्ट में आप जो है ऑनियन जूस आप मिक्स करके उसका अच्छा सा जो एक हेयर मास्क बना के आप उसे अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में। और नहाने के ठीक आधा घंटे पहले ही आपको ये सारे एप्लीकेशंस आपको करने हैं। इनमें से जो भी एप्लीकेशन आपके लिए कंफर्टेबल हो, इजी हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हेयर मास्क आप अप्लाई करें। 30 मिनट्स के बाद जो है आप हेयर को वॉश कर लें किसी भी माइल्ड या फिर हर्बल शैम्पू से। और ये प्रोसेस जो है ये थोड़ा मेसी हो सकता है, तो अगर ये अगर आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है, इसका एक और सोल्यूशन है जो कि वो और भी ज़्यादा इजी है। आपको सेम प्रोसेस से जो है आपको मेथी दाना को ओवरनाइट के लिए आपको सोक करना है, और सोक करने के बाद उसका जो पानी है नेक्स्ट डे पानी को आप स्ट्रेन कर ले, और उस पानी में आप अनियन जूस को मिक्स करके आप सेम प्रोसेस से कॉटन या फिर अपनी उंगलियों की मदद से जो है पूरे आपके स्कैल्प में आप इसे अप्लाई करें। अगेन 30 मिनट्स के लिए उसे रखें और उसके बाद जो है आप वॉश कर लीजिए, शैम्पू कर लीजिए। और इसके अलावा एक और प्रोसेस है आप, ये है आपका ऑनियन जूस। ऑनियन जूस में आप चाहे तो फ्लैक्सीड जेल जो है, फ्लैक्सीड जेल बनाना ये हर किसी को पता है कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। ये है फ्लैक्सीड जेल जो कि मैंने डाला था, और ये है उसके ऊपर से मैंने यहाँ पे अनियन जूस डाला है। इसे आप अपने बालों के हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग जो है आप इसे डालें, इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लीजिए और फिर अपने बालों में, अपने पूरे स्कैल्प में इसको लगा के अच्छे से मसाज कीजिए। एक और तरीका जो है जिसके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, वो अनियन जूस में हनी का यूज़ भी कर सकते हैं। प्योर 100% ऑर्गेनिक हनी या फिर जो भी हनी आपके घर के आसपास अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। इन दोनों को मिक्स कीजिए और आप फिर अपने बालों पे लगाइए एज अ हेयर मास्क, और ये आप देखिएगा आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और ये सारे ही तरीके जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बिना झंझट के है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, ये हफ्ते में आपको एटलीस्ट जो है दो बार आपको इस्तेमाल करना है इसको, और इसको कंसिस्टेंटली आपको मेंटेन करना है इस रूटीन को, तभी जाके जो है आपको बेस्ट से बेस्ट आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसको लगाने का जो तरीका है वो आप एक बार अच्छे से देख ले, कॉटन की मदद से इस तरीके से जो है हर एक हिस्से में, हर एक जो है आपके स्कैल्प में आपको प्रॉपरली इसे लगाना है, लगा के आपको मसाज करना है। देन 30 मिनट्स के बाद आप इसे धो लें। अनियन जूस के बेनिफिट्स के बारे में मुझे अलग से कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इस अनियन जूस को कई तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से कुछ तरीका मैंने आपको बताया है, और इनमें से कोई सा भी तरीका जो आपके लिए ईजी हो, कम्फर्टेबल हो, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसे वीक में दो बार यूज़ करना है बिफोर शैम्पू, और रिजल्ट जो है आपको 30 डेज के अंदर ही आपको मिलने वाला है, और वो गारंटीड के साथ आपको मिलेगा। पर इनमें से कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले एक पैच टेस्ट आप ज़रूर से कर ले, उसके बाद ही आप इन रेमेडीज़ को फॉलो करें। मेरे द्वारा दिए गए कोई भी एप्लीकेशन से अगर आप में से किसी को भी अगर बेनिफिट मिलता है वो आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। साथ में अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर किसी के लिए भी अगर आपको हेल्पफुल लगा हो किसी भी तरीके से, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, और अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर से ज़रूर मेरे साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इस बारे में पता चले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सबके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।